हालांकि 29-30 अगस्त की रात को अंधेरे का फायदा उठाकर हथियारों के साथ पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे 500 चीनी सैनिकों को न केवल भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि पीछे खदेड़ दिया। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो चीन के इस धोखे से चीन के नापाक इरादों का पता चलता है। चीन भारत से सीमा विवाद सुलझाना नहीं बल्कि उलझाए हुए रखना चाहता है ताकि वो अपने विस्तारवाद के नापाक इरादों को पूरा कर सके। ऐसे में चीन भारत को कभी भी बहुत बड़ा धोखा दे सकता है और चीन के इसी धोखे की पोल खोलते हुए एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। दरअसल नई सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीन दोकलाम और नाकुला में मिसाइल साइट बना रहा है। नई सैटेलाइट इमेज को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल दैट रेस्पा से साझा किया है। इसमें दो साइटें दिखाई दे रही हैं जिन पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटें बना रही है। ये सिक्किम एलएसी से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहीं चीन के शातिर इरादे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये मिसाइल साइट या फिर कहें एयर डिफेंस सिस्टम डोकलाम नाकुला के बीचों बीच स्थित है जहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। बता दें डोकलाम में भारत चीन की सेनाओं के बीच 2017 में लंबे समय तक तनातनी रही थी और करीब 73 दिनों के बाद ही दोनों देशों की सेनाओं में संघर्ष रुका था और डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हुई थी। तो वहीं नाकुला में पिछले साल ही दोनों देशों की सेनाओं में जमकर धक्का मुक्की भी हुई थी। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के विमानों खासकर बोइंग P-8 ने खूब उड़ानें भरी थीं और बॉर्डर पर सप्लाई की कमी नहीं आने दी। लेकिन ऐसे में चीन के दोनों एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो गए तो ये भारतीय सेना के लिए बड़ा खतरा होगा। ये आसपास किसी भी हवाई जहाज या अन्य जहाजों को रडार पर पाते ही हमला कर नष्ट कर देती हैं। ऐसे डिफेंस सिस्टम किसी भी विपक्षी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन ये एयर डिफेंस सिस्टम सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर पर ही तैनात कर रहा है तो यकीनन ये भारत के लिए चिंता की बात है।